सोनो चंदा का नाम किसको नहीं पता, रमजान में सबको इंतजार होता था सोनो चंदा देखने का। इन्होंने सोनो चंदा लिखा है, हम तुम लिखा है, फिर चुपके चुपके लिखा है। मेरे साथ है नन अदर देन साइमा अकरम चौधरी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। साइमा आप कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। ये सोनो चंदा जब आपने लिखा था, इट वॉज नॉट योर फर्स्ट ड्रामा, मगर आपको ये अंदाजा था कि इतना बड़ा हिट हो जाएगा? नहीं, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये इतना हिट हो जाएगा। बल्कि मैं पहले भी 2-3 दफ़ा बता चुकी हूँ कि मैं ये लिखना ही नहीं चाहती थी। क्यों? क्योंकि मुझे ये लगता था कि एज ए राइटर अगर आपकी रेटिंग नहीं आती और तो आप कंसीडर नहीं किए जाते कि आप एक कामयाब राइटर हैं। ठीक है। तो उससे पहले जो मैंने ड्रामास लिखे थे, सबसे पहला मेरा सीरियल था मोहब्बत अब नहीं होगी। सही, बिल्कुल। उसके बाद फिर आया आधी गवाही, फिर उसके बाद आया मेरा दर्द न जाने कोई, और ये सीरियल थे जो मेरे हम टीवी पे ऑन एयर हुए। तो ये सारे एक उसमें एक रोती धोती सी लड़की दिखाई गई थी और उन्होंने रेटिंग्स भी ली और मुझे लगता था कि शायद कामयाबी का यही क्राइटेरिया है कि रोना धोना दिखाना है, कॉमेडी नहीं दिखा नहीं, सकते कॉमेडी नहीं आप दिखा सकते। तो ये और दूसरा ये था कि सोनो चंदा की जब मुझे ऑफर आई तो वो इसलिए आ गई कि क्योंकि मैं डाइजेस्ट में बड़े लाइट मूड के नॉवेल्स लिखा करती थी, नॉवेल्स लिखती थी खवातीन में, शुआ में, पाकिजा में। तो मुझे जो थी MD प्रोडक्शन की कंटेंट हेड हैं सायरा गुलाम नबी, तो वो इस हवाले से मुझे जानती थी। तो जब उन्होंने मुझे ऑफर किया कि आप कोई रमज़ान सीरियल लिखें और लाइट मूड का लिखें, तो मुझे बड़ा मेरे लिए बड़ा हैरान कन था कि टीवी के लिए हम लाइट मूड का सीरियल भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो वो उस दौर में के ड्रामास देख के बड़े हुए हैं जिसमें धूप किनारे था, तन्हाइयाँ थे, और मुझे इस तरह के सीरियल्स अच्छे लगते थे। तो फर्स्ट टाइम जब सोनो चंदा जो है लिखना स्टार्ट किया, तो पहली उसकी जो 4 एपिसोड्स थी वो मैंने कोई 4 दफ़ा लिखी, मैं खुद सेटिस्फाई नहीं हो पा रही थी। अच्छा, मुझे लग रहा था कि ये नहीं चलेगा, ये जॉनरा जो है कि टीवी पे, क्योंकि मैंने बहुत सालों से नहीं देखा था। तो उसके बाद ये हुआ कि सोनो चंदा का एक स्टार्ट हो गया और वो फर्स्ट मेरा ख्याल है इसकी 8 या 10 एपिसोड्स हुई होंगी तो ये ऑन एयर चला गया। पर पहली बार जो पता चला कि ये ड्रामा हिट जा रहा है, क्या क्या कैसे पता अच्छा, चला? मुझे मेरे लिए बड़ा ये सरप्राइजिंग था कि ये कि कैसे हो गया ना, हिट हो गया। और क्योंकि वो मैं उस टाइम पे लिख रही थी, साथ साथ वो शूट हो रहा था, तो फिर जैसे जैसे उसकी रेटिंग्स आना शुरू हुई, जैसे जैसे वो मुझे रिस्पॉन्स मिलना शुरू हुआ व्यूवर्स का, तो उसके साथ ही जो है मेरा एक फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस पूरी दुनिया से, हाँ, सबसे बिल्कुल मैसिव हिट था और इंडिया से भी, और ये मतलब हैरान थी कि इस तरह कैसे हो सकता है। ट्विटर पे ट्रेंड उसने बहुत किया और उन्होंने एक नया ट्रेंड बनाया ना, जब आप किसी ट्रेंड को तोड़ती हैं।